बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। पॉपुलर टीवी शो बालिका वधू जल्द ही दूसरे सीजन के साथ टीवी पर वापसी कर रहा है। बाल विवाह पर आधारित इस शो को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। आनंदी से लेकर जागिया और दादी सा तक हर किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जब आनंदी की बात आती है तो आंखों के सामने दिवंगत एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी का चेहरा आता है। बालिका वधू में अविका गौर ने छोटी आनंदी तो वहीं बाद में प्रत्युषा बनर्जी ने बड़ी आनंदी का किरदार निभाया था। लेकिन लोगों को उस वक्त जोर का झटका लगा था जब 1 अप्रैल 2016 को प्रत्युषा बनर्जी की मौत की खबर आई थी। प्रत्युषा बनर्जी की मौत को सुसाइड बताया गया, लेकिन उनके पेरेंट्स का मानना है कि बेटी का मर्डर किया गया था। प्रत्युषा बनर्जी की मौत के 5.5 साल बाद भी यह गुत्थी अनसुलझी है। प्रत्युषा बनर्जी के जाने के बाद उनका परिवार टूटकर बिखर गया और सब कुछ गवा दिया। अब प्रत्युषा बनर्जी के माँ बाप घोर तंगी से गुजर रहे हैं। आज तक के साथ बातचीत में प्रत्युषा बनर्जी के पिता शंकर बनर्जी ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि मानो बेटी की मौत के बाद कोई बड़ा तूफान आया और सब कुछ लेकर चला गया हो। उन्होंने कहा कि केस लड़ते लड़ते वो अपना सब कुछ गवा बैठे हैं। उनके पास अब 1 रुपया भी नहीं बचा। गमगीन और सदमे में शंकर बनर्जी ने कहा कि उनकी बिटिया ने ही उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया था, वही उनका एकमात्र सहारा थी। लेकिन प्रत्युषा के जाने के बाद मानो कोई बड़ा तूफान आ गया हो। अब उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल से कट रही है। स्थिति ऐसी है कि अब वो एक कमरे में रहने को मजबूर हैं और कई बार कर्ज तक ले चुके हैं। ऐसे चल रही है जिंदगी की गाड़ी। किसी तरह से गुजारा चल सके और जिंदगी की गाड़ी चलती रहे, इसके लिए प्रत्युषा बनर्जी की माँ एक चाइल्ड केयर सेंटर में काम करती हैं। वहीं प्रत्युषा के पिता इस उम्मीद में कुछ ना कुछ कहानियां लिखते रहते हैं कि शायद कहीं कोई बात बन जाए और उनकी जिंदगी फिर से ट्रैक पर लौट आए। तो गाइस, क्या कहना है आपको प्रत्युषा बनर्जी के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।